वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्सवेल स्टडी हब। और आज हम सीखने वाले हैं आपका 7th चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसका एक पॉजिटिव साइड में बता दूं कि इस चैप्टर को आप जितने अच्छे से पढ़ लोगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक ऐसा चैप्टर रेडी कर पाओगे जिससे आप सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छे से ये अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे से आंसर आप लिख पाओगे। कमिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, मैंने यहाँ पे 3 पिक्चर्स रखी हैं। आई हैव अरेंज इन अ सीक्वेंस और इसी सीक्वेंस में माइक्रोबायोलॉजी को समझना है आज। फर्स्ट, अगर आपने चैप्टर नंबर आई डोंट रिमेंबर दैट चैप्टर इन फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, बट द टाइटल वाज यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स में आपने ऑलरेडी देखा कि कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल थे, कुछ हार्मफुल थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़फुल में हमने एक बहुत बड़ी कैटेगरी देखी थी लैक्टोबैसिलस की, और उसके बाद हार्मफुल में हमने क्लोस्ट्रिडियम और बहुत सारे डिफरेंट डिजीज़ कॉजिंग भी हमने देखे थे, जिसमें वायरस, मैनी वायरस, प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट सेल्स भी इन्वॉल्व थे जो हमें एक डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इट्स नॉट प्रोटिस्टा, इट्स प्रोटोजोआ, सॉरी। तो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स आर हार्मफुल टू अस। टुडे while introducing this chapter of introduction to microbiology, we are going to learn something about microbiology ka application. First of all, the introduction of microbiology mein first get introduced with what is microorganism, then second हाउ दिस काइंड ऑफ वर्क, मतलब स्टडी कर लिया माइक्रोब्स को, उसको आगे चलकर अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाइड क्या है, मतलब उसके यूज़ कहाँ कहाँ पर है वो देखना, दैट इज़ अ सेकेंड स्टेप। एंड कमिंग टू द थर्ड स्टेप, दैट इज़ इंडस्ट्रियल। फिर उस अपने, मतलब आपने बेसिक माइक्रोबायोलॉजी सीखी, उसके बाद उसको अप्लाइड, उसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते वो सीखा, एंड एट द एंड आए उसके एप्लीकेशन में जहाँ पे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आप देखोगे। तो इस पूरे चैप्टर में आपका मेन टारगेट एक्चुअली ये है, ये वाला एस्पेक्ट सीखना। बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू बी वेरी क्लियर विथ these two aspects of microbiology. So let's start with what is microbiology. What do you understand by a microbiology? Microbiology kya hai? Microbes ki study, that is microbiology. Microbes ki study is microbiology. Ye aapne last year bhi 9th mein dekha tha. Study of microbes is known as microbiology. Microbes ko dekhne ke liye kya use karoge? Aap use karoge microscope. अब ये माइक्रोब्स, हियर माइक्रोबायोलॉजी जब मैंने बोली, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि ओके यू कैन अप्लाई दिस लैक्टोबैसिलस हियर और क्लोस्ट्रिडियम वाज पैथोजन, मतलब क्लोस्ट्रिडियम इज पैथोजन, ये सब नहीं है। इसमें क्या है, वेदर इट इज़ अ हार्मफुल और यूजफुल, यू आर स्टडी, मतलब आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जान रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको बोलते हैं। अभी यहाँ पे बिल्कुल वो वाली बात मत लाना कि यूज़फुल है, हार्मफुल है, वो बात की बात है, वो दैट इज़ अ सेकेंड स्टेप। बट पहला स्टेप है उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना। जब तक समझोगे नहीं, कैसे समझे पता चलेगा कि वेदर दे आर कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ यूज़फुल और हार्मफुल। तो पहले समझने की जो पहला स्टेज है, जिस बायोलॉजी से उसको समझ रहे हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। इन ऑर्डर टू, आप उसको नेकेड आई से देख सकते हो माइक्रोब्स को, बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए आपको क्या लगेंगे, माइक्रोस्कोप लगेगा। सो ये दिस इज द बेसिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब आप 10th स्टैंडर्ड में, 9th में ऑलरेडी आपने सीख लिया है अबाउट यूजफुल एंड हार्मफुल, योर बेस इज क्लियर नाउ। नाउ थोड़ा सा आगे चलना है और सीखना है कि हमने जो इतना सारा नॉलेज गेन किया अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, उसको हम अपने अपने लिए कैसे यूज़ करते हैं, हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं। सो
The second step is applied microbiology. What is applied microbiology? Branch of biology, more specifically I can say microbiology, in which study of the enzyme related to some prokaryotes and eukaryotes. Here I don't need to explain you about the difference between a prokaryote or eukaryotic cells. We have already completed this difference of prokaryotes and eukaryotes in animal classification chapter. So आप अगर आपको नहीं अभी भी prokaryote और eukaryotes में problem है, return to that page or return to that PPT of animal classification जहाँ पे kingdom animalia को classify किया था या 5 kingdom classification किया था. Okay, so let's come to this point. Branch of biology in which the study of enzyme related to some prokaryotes and eukaryotes microbes, proteins, applied genetics. Genetics पता है? Yes, मेंडल सर का एक्सपेरिमेंट है, 9th क्लास में पढ़े, उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी. मॉलिकुलर बायोलॉजी, दिस आर द बिग बिग टर्म्स बच्चों, बट दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस मॉडर्न एरा, जहाँ पे डिजीज बहुत कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे एप्लीकेशंस बहुत यूनिक है. तो इसलिए ये जो है अप्लाइड, मतलब माइक्रोबायोलॉजी का जो बेस है उसको अप्लाई कहाँ कर सकते, वो स्टडी को करना, दैट इज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. कौन कौन से, मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा एंजाइम देता है और वो एंजाइम को मैं आगे चलकर कैसे यूज कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये तो हो गया इंडस्ट्रियल, ये तो हो गया एक एप्लीकेशन देने के लिए. अगर इन ऑर्डर टू डिजीज में देखना है तो जेनेटिक में भी कैसा उसका जीन कोड, वायरस के जीन कोड कैसे होते, इन सब की स्टडी ऑल टुगेदर इज नोन एज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. सी इफ आई विल stand here and start explaining about applied microbiology, ये पूरा दिन ले लेगा. तो अभी let's get limited और यहाँ पे हम सीख लेते हैं कि microbes से जो enzyme और proteins मिलते हैं, genetics में जो use हो, applied genetics को use, ये सारी study को all together बोलते हैं applied microbiology. But as far as this chapter is concerned, you are more focused about this industrial microbiology. अब industrial microbiology क्या है? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के सारे बोलते हैं ना रूट्स जुड़े हुए हैं आपके नाइन्थ क्लास के एक चैप्टर से, दैट इज़ यूजफुल ऑर्गेनिज्म, मोर स्पेसिफिकली दैट पार्ट ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. द साइंस दैट इज रिलेटेड टू द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन विच इकोनॉमी, जाहिर सी बात है इकोनॉमी. अभी आपने घर में दूध से जो दही बनती है, कर्ड बनता है, दैट इज तो घर होम मेड. इंडस्ट्री भी बनाती है, यू गेट आउटसाइड, आप दुकान पे जाते हो, आपको बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनेंगे. इसको हमने क्या यूज़ किया, इंडस्ट्रियल लेवल पर लेकर गए, और इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक फ़ायदा भी है. कमिंग टू सोशल में मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल मेनी एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन की जर्नी को मत भूलना. तो पेनिसिलिन की जर्नी, वहाँ से मतलब आपके एक सोशल है, मतलब एक हेल्थ को भी बहुत ध्यान दिया गया. तो इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल में आपका गार्बेज मैनेजमेंट, जिसमें हमने एक एग्जांपल देखा था लास्ट ईयर 9th में हैवी मेटल के ऊपर. तो ये सब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जाना, उसको बड़े लार्ज स्केल पर करना माइक्रोब्स को यूज करके, इट इज नोन एज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. मतलब माइक्रोब्स को अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर लेकर गए, तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. नाउ व्हाट आर द फीचर्स. अब फीचर्स जो मैंने अभी तीन चीजें आपको बोल दी, इकोनॉमी, सोशल एंड एनवायरमेंटल. डेफिनेटली ऐसी लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे करोगे तो पूरा एक जगह पे यू विल गेट इंडस्ट्रियल, आपका एक फ़ायदा है, आपकी दवा का इंतजाम हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन. अलॉन्ग विद दैट सोशल भी है और इकोनॉमी है, मतलब पैसे भी आते हैं. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे गए और
ये सारे फायदे हुए। कमिंग टू इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के मेन फीचर्स क्या हैं, मेन फीचर्स को आप इस तीन पिक्चरों से समराइज कर सकते हो। वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, सेकेंड चैप्टर फर्मेंटेशन हमने सीखा था, फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन बोलते हैं। सो वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, ब्रेड का स्पॉन्जी नेचर जो था, शैम्पेन में CO2 की बबल्स थी, वो सब क्या आपने घर में बनाई थी? नो, वो तो हमने एक इंडस्ट्रियल लेवल की हमने बात की थी। ब्रेड घर में भी बनता है, पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे माइक्रोब्स का कैसे यूज होता है, दैट कम्स अंडर द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। फिर वाइन, कमिंग टू रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स एंड मेडिसिंस, मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स, भूल डोंट फॉरगेट, और बहुत सारे मेडिसिन हम और देखने वाले हैं। एंड एट द एंड गार्बेज मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के तीन फीचर्स हैं जो इस पिक्चर से आप समराइज कर सकते हैं। एक तो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, फिर गार्बेज को यूज़ किया और मेडिसिन पे आए। सो दीज आर दी थ्री मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द चीज प्रोडक्शन, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स में कैसे वो यूज होता है वो देखेंगे। सो दिस इज द बेस ऑफ योर सेवन चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, वेयर वी हैव एक्चुअली हमने सिर्फ छोटे वीडियो में हमने क्या देखा, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, उसके बाद हमने देखा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, और एट द एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। अब इस इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी को धीरे धीरे हर ये तीन मेन फीचर्स को कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्मेंटेशन। थैंक यू।